हे गाइस, आज हम क्लास 6 चैप्टर 9 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। सो लेट्स स्टार्ट। एज वी हैड डिस्कस प्रीवियसली कि ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसलिए हमने इसको चार पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। आज हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, किंग्स एंड एंशिएंट ट्रेड, कंट्रोलिंग नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहली बात, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऐसी चीजें जो किसी ना किसी वे में हमारे काम आती हैं और नेचुरली अकर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम कौन से नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं? द सदर्न हाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज मार्क्ड बाय अ लॉन्ग कोस्टलाइन। कोस्टलाइन मतलब दैट लैंड विच इज नेक्स्ट टू द सी। लॉन्ग कोस्टलाइन होने का क्या फायदा? यहाँ से सी को एक्सेस करना आसान हो जाता है, जिससे ट्रेड ईजी हो जाता है। देर आर ऑल्सो हिल्स, प्लेटोज एंड रिवर वैलीज, और सारी रिवर वैलीज में कावेरी रिवर की जो वैली है, दैट इज द मोस्ट फर्टाइल। बट वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू कंट्रोल दीज नेचुरल रिसोर्सेज? हमने इस चैप्टर के काफी पार्ट्स को क्वेश्चन आंसर फॉर्म में इसलिए किया है क्योंकि इट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड कि इस मेथड से चीजें ज्यादा मेमोरेबल हो जाती हैं। तो व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू कंट्रोल दीज नेचुरल रिसोर्सेज? बिकॉज चीफ्स एंड किंग्स हु कंट्रोल द रिवर वैलीज एंड द कोस्ट, जो भी इन नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल करते थे, दे बिकेम रिच एंड पावरफुल। अभी हम देखेंगे कैसे। संगम पोएम्स मेंशन द मुविंदार। मुविंदार क्या होता है? एक तमिल वर्ड है जिसका मतलब होता है थ्री चीफ्स। इट वॉज यूज फॉर द हेड्स ऑफ द थ्री रूलिंग फैमिलीज। आज से 2300 ईयर्स पहले साउथ इंडिया में थ्री रूलिंग फैमिलीज बहुत पावरफुल बन गई थी, द चोलास, द चेरास एंड द पांड्यास। उनके हेड्स को मुविंदार बुलाया जाता था। हर चीफ के दो सेंटर ऑफ पावर थे, वन इनलैंड एंड वन ऑन द कोस्ट। एक सिटी जो इनलैंड थी, मतलब चारों तरफ से लैंड से सराउंडेड, और एक सिटी जो कोस्ट पे थी। तो हर चीफ के दो सेंटर ऑफ पावर, इसका मतलब टोटल 6 सिटीज। लेकिन इन 6 सिटीज में से दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, पुहार या कावेरीपट्टिनम। आपको याद होगा इस चैप्टर के पिछले पार्ट में पुहार का नाम आया था, उसके ऊपर एक संगम पोयम पढ़ी थी हमने। पुहार और कावेरीपट्टिनम वॉज द पोर्ट ऑफ द चोलास, और दूसरी सिटी थी मदुरई, द कैपिटल ऑफ द पांड्यास। ये दोनों सिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ये जो चीफ्स थे, दे डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस, इंस्टेड दे डिमांडेड एंड रिसीव्ड गिफ्ट्स फ्रॉम द पीपल। ये मिलिट्री एक्सपेडिशंस पे भी जाते थे और अपने आसपास के एरिया से ट्रिब्यूट कलेक्ट करते थे। इन सब जरियों से जो भी वेल्थ आता था, उसमें से काफी तो ये अपने पास ही रख लेते थे, एंड दे डिस्ट्रीब्यूटेड द रेस्ट अमंग देयर सपोर्टर्स, जैसे उनके फैमिली मेंबर्स, सोल्जर्स और पोएट्स। इनमें से काफी पोएट्स के कॉम्पोजिशंस हमें संगम कलेक्शन में मिले थे। ये पोएट्स क्या करते थे? दे यूज टू कंपोज पोएम्स इन प्रेस ऑफ द चीफ्स, और चीफ्स बदले में इनको रिवॉर्ड करते थे प्रेशियस स्टोन्स, गोल्ड, हॉर्सेज, एलिफेंट्स, चैरियट्स, फाइन क्लॉथ, इन सबसे। मतलब पोएट्स फ्लैटरिंग पोएम्स लिखते थे और उसके बदले में उनको रिवॉर्ड किया जाता था। फिर इन थ्री रूलिंग फैमिलीज के 200 इयर्स बाद एक नई डायनेस्टी पावरफुल हुई, सतवाहनास। लेकिन कहाँ पे? वेस्टर्न इंडिया में। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ द सतवाहना डायनेस्टी वॉज गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। ये इतने पावरफुल थे कि इन्होंने अपनी आर्मी को ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न कोस्ट पे भी भेजा था। और हम लोग इनके बारे में कैसे जानते हैं? फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन कम्पोज्ड ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर गौतमी बालाश्री। इनकी मदर थी गौतमी बालाश्री, और उनके बिहाफ पे एक इंस्क्रिप्शन कंपोज किया गया था जिसमें इनका मेंशन था, गौतमी पुत्र, मतलब गौतमी के सन, बेटे। द सतवाहन रूलर्स वर नोन एज लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिणपथ। दक्षिणपथ का लिटरल मीनिंग होता है द रूट लीडिंग टू द साउथ। दक्षिण पथ, दक्षिण मतलब साउथ और पथ मतलब रास्ता। लेकिन दक्षिण पथ जो वर्ड है, दिस वॉज ऑल्सो यूज फॉर द इंटायर सदर्न रीजन, और सतवाहन रूलर्स को लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिणपथ कहा जाता था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सारे चीफ्स और रूलर्स जो थे, ये हिल्स, प्लेन्स, रिवर वैलीज को कंट्रोल करना चाहते थे। वो अपनी आर्मीज भेज रहे थे और अपना सारा पावर इसमें लगा रहे थे। बट व्हाई एंड हाउ इज दिस रिलेटेड टू ट्रेड? क्योंकि ये चैप्टर तो बेसिकली ट्रेड और ट्रेडर्स के बारे में है ना, तो इसका ट्रेड से क्या रिलेशन? बिकॉज दिस इज वॉट मेड देम रिच एंड पावरफुल। लेट्स सी हाउ। हम एग्जाम्पल लेते हैं सिल्क रूट का। इससे आपको समझ में आ जाएगा हिल्स, प्लेन्स, रिवर वैलीज पे कंट्रोल करने से किंग्स पावरफुल कैसे बनते थे। सिल्क, आपको मालूम होगा, काफी सोसाइटीज में बहुत ही ज्यादा वैल्यूड होता है। क्यों? उसके रिच ग्लॉसी कलर और स्मूथ टेक्सचर की वजह से। और तो और, इसको बनाने का प्रोसेस भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। पहले सिल्क वर्म से रॉ सिल्क एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके बाद उसको थ्रेड में स्पिन किया जाता है, एंड देन फाइनली इट इज वोवन इनटू अ क्लॉथ। दैट इज व्हाई सिल्क वाज वेरी वैल्यूड। और सिल्क को बनाने की जो टेक्निक्स हैं, ये आज से 7000 ईयर्स पहले चाइना में इन्वेंट हुए थे। फॉर सेवरल थाउजेंड ईयर्स इस मेथड को एक क्लोजली गार्डेड सीक्रेट रखा गया। लेकिन काफी लोग जो चाइना से जाते थे डिस्टेंट लैंड्स, या तो फुट पे या हॉर्सबैक पे या कैमल पे, ये अपने लैंड से सिल्क ले जाते थे अपने साथ। जो भी रास्ते ये फॉलो करते थे, दोस पाथ्स केम टू बी नोन एज द सिल्क रूट, क्योंकि उन्हीं रास्तों की वजह से बाकी दुनिया को सिल्क के बारे में मालूम पड़ा।
अच्छा अब आप बताइए, किसी भी चीज को प्राइज्ड होने के लिए उसका क्या होना जरूरी है? पहली बात तो वो बहुत ही वैल्यूबल और रेयर होना चाहिए, जैसे कि डायमंड, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, और दूसरी बात वो बहुत ही रेयर है, राइट? दूसरी चीज, आपका जो कस्टमर है, जो लोग हैं, उनको उसके बारे में मालूम तो होना चाहिए ना। इसी तरह से सिल्क हमें मालूम पड़ गया कि बहुत ही वैल्यूबल था और इसको बनाने का तरीका भी सीक्रेट था, तो हर कोई नहीं बना सकता था। लेकिन हाउ डिड सिल्क बिकम पॉपुलर? लोगों को उसके बारे में मालूम कैसे पड़ा? चाइनीज रूलर्स जो थे, ये ईरान और वेस्ट एशिया के रूलर्स को सिल्क गिफ्ट में दिया करते थे, और इस तरह से धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड को सिल्क के बारे में मालूम पड़ गया। इनफैक्ट आज से 2000 इयर्स पहले रोम के जो रूलर्स और रिच लोग थे, उनमें फैशन था सिल्क पहनने का। इट वॉज कंसिडर्ड अ फैब्रिक ओनली फॉर द रिच एंड एफ्लुएंट। लेकिन सिल्क एक्सपेंसिव क्यों था? तो अब ठीक है, वैल्यूबल है, डिमांड में भी है, लेकिन इतना एक्सपेंसिव क्यों? बिकॉज इट हैड टू बी ब्रॉट ऑल द वे फ्रॉम चाइना, और किसी को मालूम ही नहीं था कि इसको प्रोड्यूस कैसे करते हैं। द रोड्स वर डेंजरस एंड टीडियस। चाइना से सिल्क को लाने का जो रास्ता होता था वो डेंजरस भी होता था और टीडियस भी, थकाने वाला। और काफी बार लोग जो इस रूट पे रहते थे वो ट्रेडर्स से पेमेंट डिमांड करते थे उनको निकलने देने के लिए, तो एक तरह से हफ्ता वसूली या टोल टैक्स की तरह। अब कई सारे जो किंग्स थे, ये इस रूट के बड़े बड़े पोर्शंस कंट्रोल करते थे। इससे उनको क्या फायदा होता था? दे कुड बेनिफिट फ्रॉम टैक्सेस, ट्रिब्यूट्स एंड गिफ्ट्स दैट वर ब्रॉट बाय ट्रेडर्स। ट्रेडर्स को तो मालूम है कि उनको इसी रास्ते से निकलना है, तो जो किंग्स इन रास्तों को कंट्रोल करते हैं उनको खुश रखना पड़ेगा, और रिटर्न में जो किंग्स थे ये ट्रेडर्स को प्रोटेक्ट करते थे रॉबर्स से। अब आपको समझ में आया कि किंग्स क्यों इन नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल करना चाहते थे और इसका ट्रेड से क्या रिलेशन है। द बेस्ट नोन रूलर्स हु कंट्रोल द सिल्क रूट वर द कुशांस। आज से 2000 इयर्स पहले कुशांस सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे रूल करते थे। उनके दो मेजर सेंटर ऑफ पावर थे, पेशावर और मथुरा। तक्षशिला जो इतना फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग था, ये भी इनके किंगडम का हिस्सा था। और ये कैसे कंट्रोल करते थे सिल्क रूट पे? अ ब्रांच ऑफ द सिल्क रूट वॉज फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू द सी पोर्ट्स एट द माउथ ऑफ द रिवर इंडस टू द रोमन एम्पायर। जहां पे रिवर सी से मिलती है उसको माउथ ऑफ द रिवर कहते हैं। जहां पे इंडस रिवर अरेबियन सी से मिलता था वहां पे पोर्ट्स बने हुए थे ऑब्वियसली सी को एक्सेस करने के लिए। सेंट्रल एशिया से सिल्क को लैंड के थ्रू इन सी पोर्ट्स पे भेजा जाता था और यहां से इनको शिप से भेजा जाता था रोमन एम्पायर। एंड क्योंकि कुशांस यूज टू रूल ओवर सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया, तो इसमें से काफी हिस्सा उनके अंडर में आता था। कुशांस वर ऑल्सो अमंगस्ट द अर्लीस्ट रूलर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू इशू गोल्ड कॉइन्स, और ये गोल्ड कॉइन्स ट्रेडर्स यूज करते थे सिल्क रूट में। तो ये था हमारा पार्ट टू ऑफ द चैप्टर। आई होप आपने इसमें काफी कुछ नया सीखा होगा। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे इसका पार्ट थ्री, विच इज चेंजेस इन रिलीजन। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स अस एंड कन्वेज योर अप्रिसिएशन टू अस। I'll see you next time with the next part of this chapter. Tab tak ke liye stay safe and study well. Bye-bye.